डीएवी इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक समारोह में हासिल हुए परम सिद्धे स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज और हमारे विधायक श्री सत्य प्रकाश जरवाल जी और हमारे श्री प्रदीप कौशल जी चेयरमैन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, श्रीमती मनीषा कौशल जी, श्रीमती आशा भात्रा जी, श्रीमती बबीता वरिष्ठ जी, श्रीमती रेणु देशवाल जी, प्रिंसिपल श्री नवीन गोयल जी और कार्यक्रम के उपस्थित जीएवी शिक्षण एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, महानुभाव और प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधु, आज मुझे जीएवी इंटरनेशनल स्कूल पटौदी में इस वार्षिक समारोह में आप सबके बीच आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आप लोग 4 बजे से बैठे हुए, मेरा देर से आने का कारण भी थोड़ा कार्यक्रम ज़्यादा होने से, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष करके बच्चे जो है बहुत ही देर से बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इतने मन से श्रद्धा से आप बैठकर इस कार्यक्रम में पधार हुए सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस महान अवसर में हमारे स्वामी धर्मदेव जी महाराज के पावन सान्निध्य में उनके दिशा निर्देश के अनुरूप चलते हुए जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की जब 18 ब्रांच हो गई, जो कि ये बेहद खुशी की बात है और प्रदीप कौशल जी को कुशल नेतृत्व में जीएवी ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में हर रोज एक नया मुकाम बना रही है। मुझे प्रदीप कौशल जी को उनको बधाई देते हुए उनके स्कूल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी बहुत मदद करते हैं। स्कूल शिक्षा के बाद उन बच्चों को रोजगार दिलाने का भी आपका प्रयास है, इसके लिए मैं और एक बार आपको, आपके शिक्षण संस्थान के सारी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस समय में आप जो है यहाँ बैठे हुए सभी लोग, शिक्षा जो है जीवन में सबसे बड़ी महत्व चीज, शिक्षा से ही गरीबी दूर कर सकते हैं। शिक्षा का, गरीबी का सबसे बड़ा दवा शिक्षा होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो है गरीब परिवार से आया, बहुत गरीब परिवार से आया, लेकिन मेरे माता जी ने बाजार में भैंस बेचती थी, फिर भी मुझे स्कूल मिला, भेज कर पढ़ाकर कॉलेज का भी जो है मुझे शिक्षा दिलवाई, उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आप लोगों के बीच में राज्यपाल के रूप में, अगर मैं नहीं पढ़ता था वो गरीबी में अगर मुझे पढ़ाई नहीं होती थी तो मैं
ना केंद्र मंत्री होता था, ना आपके बीच में आज राज्यपाल के रूप में रहता था। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी माता पिताओं से, सबसे ज्यादा मान शिक्षा को देना चाहिए। पैसा जो है आता है जाता है, पैसा कभी परमानेंट नहीं है, लेकिन ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। ज्ञान से ही अपनी मस्तिष्क की उन्नति होती है। इसलिए इंग्लिश में कहा होता है, इफ मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट। पैसा चले गए कुछ भी नहीं जाता, फिर पैसा कमा सकते। इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गए थोड़ा मुश्किल है, फिर उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। अगर चरित्र चला गया सब सारा दुनिया चले। तो इसलिए शिक्षा जो है चरित्र को बनाती है, नैतिक मूल्यों को बनाती है और ज्ञान बात मिलती है। तो इसलिए इंग्लिश में भी कहा गया है मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास सरस्वती है, सारा उसको नतमस्तक होते हैं। आज हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी जी के पास पैसा नहीं है, ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए हम सब लोग उनको हम वंदन करते हैं। वो भी करोड़पति होते मैं मिल नहीं पाता, लेकिन वो साधु सन्यासी है, देश के लिए समाज के लिए सर्वस्व दे चुके हैं, इसलिए उनके पास ज्ञान है। वैसे ज्ञानी को ही समाज जो है सेवा करते हैं। शिक्षा और नैतिक मूल्य, इस आधार को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूँगा, ये भी पब्लिक स्कूल काफ़ी अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, वो भी मूल्यवान शिक्षा दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आज आप सबको जिस टीम के नाते से काम करते हैं, 1, 2, 3, 4 में अठारह स्कूल स्थापन करना और गरीबों को जनता को सेवा करना बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए मैं और एक बार हमारे इस स्कूल के जो व्यवस्थापक है हमारे प्रदीप कौशल जी, सारा उनके टीम को बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।